हेलो छात्रों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स में। चलिए इस बार हम देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। चलिए जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ए बी और पी क्यू। ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स, हमें चार एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, कि ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये चार एंगल्स हैं। इनमें से हमें देखना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो एंगल ए ओ और क्यू, मतलब एंगल ए ओ और क्यू। ठीक है, और इसके जस्ट सामने दिख रहा है पी ओ बी, मतलब पी एंगल पी ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ क्यू ये वाला और एंगल पी ओ बी, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स ही होगा। ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये कहलाएंगे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से जस्ट इसके सामने वाले कोण भी होते हैं, मीन्स अगर ये एंगल वाई होगा तो ये भी एंगल वाई होगा। मीन्स एंगल ए ओ पी ये बराबर होगा एंगल क्यू ओ बी के, मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण, ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसके लिए जरूरी है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें।